हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। अच्छा, एक सवाल और आया है राम बिहारी सिंह साहब का। इनके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं, 1300 शेयर हैं और 34.30 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। गाबा सर, ये दूसरा नाम है TTML के जैसा जो लगातार अपर सर्किट पे चल रहा है, लगातार तेजी के अंदर ही है। यहां पर क्या करें, ट्राइडेंट के अंदर आज भी अपर सर्किट पर है, खरीदारी इनकी 34 रुपए पर है और आज 64 रुपए है, क्या करा जाए? वही स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऑल हाई चल रहा है, जब सर्किट स्टॉक होता है तो सर्किट अंदर डाउनसाइड भी लगता है कभी कभी, इसलिए ऑन द वे आप बेचते रहिए। ये एक स्ट्रेटेजी मैंने देखा है, टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड, वर्क्स और मुनाफा मिलता है। हाँ, आपको लगेगा कि थोड़ा और मिल सकता था, जितना हो, ग्रीड का तो एंड है ही नहीं ना। तो प्रॉफिट बुकिंग करना, बोलते ना, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। प्रॉफिट बुकिंग करना एक अहम पॉलिसी होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप निवेशक हैं तो फिर तो होल्ड किए, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग का एक मोड होना चाहिए। तो अभी नहीं, लेकिन आपको राय यही दी गई है कि आप तेजी जैसे जैसे मिलते रहे वैसे वैसे आप निकलते रहें, वो ज्यादा बेटर रणनीति है। तो हर तेजी में आप निकले वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन बनेगी। अपर सर्किट पे शेयर ऑलरेडी चल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर। सतीश जी ने अपना सवाल भेजा है, ये ट्राइडेंट पे राय जानना चाहते हैं। 211 शेयर्स हैं इनके पास और लगभग 45 रुपीज के आसपास की इनकी खरीद है। ट्राइडेंट, मैं आपको बता दूं कि कल ही की खबर है कि AMFI कैटेगराइजेशन जो होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स इस्तेमाल करते हैं कैटेगरी वाइज इस शेयर में, तो वहां पे वो स्मॉल कैप से अब मिड कैप की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं इस पर थोड़ी नजर और डालेंगे, बस यही एक बदलाव है। रोहित, आपकी क्या राय बनेगी इस काउंटर में, क्योंकि इनको अभी फिलहाल मुनाफा हो रहा है ट्राइडेंट पे, बने रहना चाहिए, क्या दिख रहा है चार्ट्स पे? सृष्टि, आई थिंक देखिए स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, काफी सारे अपर सर्किट हम लोग ने स्टॉक के अंदर देखे थे पर्टिकुलरली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर मैं बात करूँ तो 49 का एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है, तो इनका जो स्टॉप लॉस रहेगा पहले तो 49 रुपीज का बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा। जब तक ये स्टॉक 49 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम लोग को जो नेक्स्ट मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है वो 60 रुपीज तक देखने को मिल सकता है, जो कि इसका नो ऑन इमीडिएट बेसिस हर्डल है। तो जो रेंज सामने से निकल कर आ रही है वो 49 ऑन द डाउन साइड और 60 रुपीज ऑन द हायर साइड, तो ये 11-12 रुपए की जो रेंज है, जब तक ये स्टॉक इसके अंदर से निकलेगा नहीं बाहर, आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं वो 60 रुपए के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बने रहने की सलाह है। 49 का ऑन इमीडिएट बेसिस स्टॉप लॉस लगाए, इमीडिएट टारगेट 60, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक को वापस 75-80 के जोन में लेके जाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह रहेगी, 49 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा।